जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, फिर वह चाहे राजा हो या रंक। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि कर्म का फल आज नहीं तो कम भोगना ही पड़ता है। सुदामा उनके प्रिय सखा थे। बचपन में उन्होंने गुरु मां द्वारा दिए गए चने को अकेले खाने का पाप किया था। भगवान से छिपकर चना खाए गए इस कर्म का फल उन्हें अत्यंत गरीबी के रूप में भोगना पड़ा। उनके परम मित्र होने के बाद भी समय से पहले भगवान सुदामा की दयनीय दशा को दूर नहीं कर पाए, जबकि वे स्वयं उनकी हालत पर दुखी थे। जब द्वारिकापुरी में दोनों का मिलन हुआ तो पग धोते हुए कृष्ण उनकी दयनीय दशा देख इतना रोए कि उनके पैरों में आंसुओं की धारा बह गई। इसी तरह कर्म फल से भगवान स्वयं भी नहीं बचे। त्रेता युग में भगवान विष्णु अवतार श्री राम ने बाली को छुपकर मारने का पाप किया था। द्वापर युग में कृष्ण जन्म में उन्हें वन में तपस्या के दौरान एक शिकारी ने हिरण समझकर विष तीर से घायल कर दिया। व्याध ने जब सच्चाई जानी तो वह उनके चरणों में गिर गया। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें पिछले जन्म का किस्सा बताते हुए कहा कि यह उनके द्वारा किए गए पाप का कर्म फल है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मृत्यु मनुष्य के जीवन का अंतिम सत्य है, लाख जतन के बाद भी इसे टाला नहीं जा सकता। कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित ने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि सांप के काटने से ही उसकी मृत्यु होगी। मुक्ति के लिए संतों ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनने की सलाह दी और बाद में उन्हें मुक्ति मिली। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को द्वारा किए हुए कर्मों का दंड मिलता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म फल के बारे में कहा है कि इंसान को अपने कर्म का फल उसे अपने जीवन काल में भोगना पड़ता है। कर्म करते समय सदैव सचेत रहें, क्योंकि कर्म फल कभी पीछा नहीं छोड़ते। दुर्योधन ने एक अबला स्त्री को दिखाकर अपनी जंघा ठोकी थी तो उसकी जंघा तोड़ी गई। दुशासन ने छाती ठोकी तो उसकी छाती फाड़ दी गई। महारथी कर्ण ने एक असहाय स्त्री के अपमान का समर्थन किया तो श्रीकृष्ण ने असहाय दशा में ही उसका वध कराया। भीष्म ने यदि प्रतिज्ञा में बंध कर एक स्त्री के अपमान को देखने और सहन करने का पाप किया तो असंख्य तीरों में बिंध कर अपने पूरे कुल को एक एक कर मरते हुए भी देखा। भारत का कोई बुजुर्ग अपने सामने अपने बच्चों को मरते देखना नहीं चाहता, पर भीष्म अपने सामने चार पीढ़ियों को मरते देखते रहे। जब तक सब देख नहीं लिया तब तक मर भी न सके, यही उनका दंड था। धृतराष्ट्र का दोष था पुत्र मोह, तो 100 पुत्रों के शव को कंधा देने का उन्हें दंड मिला। 100 हाथियों के बराबर बल वाला धृतराष्ट्र सिवाय रोने के और कुछ नहीं कर सका। दंड केवल कौरव दल को ही नहीं मिला था, बल्कि दंड पांडवों को भी मिला था। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली थी, सो उनकी रक्षा का दायित्व सबसे अधिक अर्जुन पर था। अर्जुन यदि चुपचाप उनका अपमान देखते रहे तो सबसे कठोर दंड भी उन्हीं को मिला। अर्जुन पितामह भीष्म को सबसे अधिक प्रेम करते थे, तो कृष्ण ने उन्हीं के हाथों पितामह को निर्मम मृत्यु दिलाई। अर्जुन रोते रहे पर तीर चलाते रहे, क्या लगता है? अपने ही हाथों अपने अभिभावकों भाइयों की हत्या करने की ग्लानि से अर्जुन कभी मुक्त हुए होंगे क्या? नहीं, वे जीवन भर तड़पे होंगे, यही उनका दंड था। युधिष्ठिर ने स्त्री को दाव पर लगाया तो उन्हें भी दंड मिला। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ने वाले युधिष्ठिर ने युद्ध भूमि में झूठ बोला और उसी झूठ के कारण उनके गुरु की हत्या हुई। यह एक झूठ उनके सारे सत्यों पर भारी रहा, धर्मराज के लिए इससे बड़ा दंड क्या होगा? दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था स्वयं बलराम ने, एक अधर्मी को गदा युद्ध की शिक्षा देने का दंड बलराम को भी मिला। उनके सामने उनके प्रिय दुर्योधन का वध हुआ और वे चाहकर भी कुछ न कर सके। उस युग में दो योद्धा ऐसे थे जो अकेले सबको दंड दे सकते थे, कृष्ण और महात्मा बर्बरीक। पर कृष्ण ने ऐसे कुकर्मियों के विरुद्ध शस्त्र उठाने तक से इनकार कर दिया और बर्बरीक को युद्ध में उतरने से ही रोक दिया। लोग पूछते हैं कि बर्बरीक का वध क्यों हुआ? यदि बर्बरीक का वध नहीं हुआ होता तो द्रौपदी के अपराधियों को यथोचित दंड नहीं मिल पाता। कृष्ण युद्ध भूमि में विजय और पराजय तय करने के लिए नहीं उतरे थे, कृष्ण इन अपराधियों को दंड दिलाने के लिए ही कुरुक्षेत्र में उतरे थे। कुछ लोगों ने कर्ण का बड़ा महिमा मंडन किया है, पर सुनिए, कर्ण कितना भी बड़ा योद्धा क्यों न रहा हो, कितना भी बड़ा दानी क्यों न रहा हो, एक स्त्री के वस्त्र हरण में सहयोग का पाप इतना बड़ा है कि उसके समक्ष सारे पुण्य छोटे पड़ जाएंगे।
स्त्री कोई वस्तु नहीं कि उसे दांव पर लगाया जाए। कृष्ण के युग में दो स्त्रियों को बाल से पकड़कर घसीटा गया। देवकी के बाल पकड़े कंस ने और द्रौपदी के बाल पकड़े दुशासन ने। श्री कृष्ण ने स्वयं दोनों के अपराधियों का समूल नाश किया। किसी स्त्री के अपमान का दंड अपराधी के समूल नाश से ही पूरा होता है, भले वह अपराधी विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही क्यों न हो। महाभारत का युद्ध द्वापर युग में लड़ा गया। महर्षि वेद व्यास ने इस पूरी घटना को संस्कृत महाकाव्य का रूप दिया। इस महाकाव्य में कई प्रेरणादायक कहानियां शामिल हैं। ये कहानियां बच्चों को धर्म और कर्म का पालन करना सिखाती हैं। महाभारत की कथा में बहुत से महान पात्र हैं जिनसे बच्चों का मार्गदर्शन हो सकता है। वीर अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण, धर्मराज युधिष्ठर, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, दानवीर कर्ण और महात्मा विदुर ऐसे ही कुछ चरित्र हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी कई घटनाएं महाभारत कथा का हिस्सा हैं जो कुछ न कुछ शिक्षा जरूर देती हैं। श्री कृष्ण की देखरेख में अर्जुन ने जितने भी निर्णय लिए वो विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करने के अच्छे उदाहरण हैं। कृष्ण अर्जुन संवाद सुनने से बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो सकता है। महाभारत की कथा में श्री कृष्ण के चरित्र की मदद से आप अपने बच्चों में भगवान के प्रति आस्था पैदा कर सकते हैं। तो चलिए महाभारत की कहानियों की मदद से कुछ हमारा भी कल्याण कर ही लेते हैं। एक बार की बात है, राजा उत्तानपाद थे और उनकी दो रानियां थीं। एक रानी का नाम सुनीति और दूसरी रानी का नाम सुरुचि था। सुनीति बड़ी रानी और सुरुचि छोटी रानी थी। रानी सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और रानी सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। राजा उत्तानपाद का रुझान छोटी रानी सुरुचि के तरफ ज्यादा था क्योंकि वो दिखने में काफी सुंदर थीं। लेकिन रानी सुरुचि अपनी सुंदरता पर काफी घमंड करती थीं। वहीं बड़ी रानी सुनीति का स्वभाव सुरुचि से बिल्कुल अलग था। रानी सुनीति काफी शांत और समझदार स्वभाव की थीं। राजा का सुरुचि की तरफ अधिक प्रेम देखते हुए रानी सुनीति दुखी रहती थीं। इसलिए वह अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त भगवान की पूजा अर्चना करते हुए बिताती थीं। एक दिन सुनीति के पुत्र ध्रुव अचानक अपने पिता राजा उत्तानपाद के गोद में जाकर बैठ गए। वह अपने पिता के गोद में बैठकर खेल ही रहे थे कि वहां छोटी रानी सुरुचि पहुंच गई। राजा के गोद में ध्रुव को बैठे देखकर रानी सुरुचि को गुस्सा आ गया। रानी ने ध्रुव को राजा के गोद से नीचे उतारते हुए कहा, तुम राजा के गोद में नहीं बैठ सकते हो। राजा की गोद और सिंहासन पर सिर्फ मेरे पुत्र उत्तम का अधिकार है। यह सुनकर ध्रुव को बहुत बुरा लगा। ध्रुव वहां से रोते हुए अपनी मां के पास चला गया। ध्रुव को रोता देख मां काफी चिंतित हो गई और ध्रुव से उसके रोने का कारण पूछा। ध्रुव ने रोते हुए सारी बात बताई। ध्रुव की बात सुनकर मां के आंखों में भी आंसू आ गए। ध्रुव को चुप कराते हुए सुनीति ने कहा, भगवान की आराधना में बहुत शक्ति है। अगर सच्चे मन से आराधना की जाए तो भगवान से तुम्हें पिता की गोद और सिंहासन दोनों मिल सकते हैं। मां की बात सुनकर ध्रुव ने निर्णय कर लिया कि वह सच्चे मन से भगवान की आराधना करेंगे। ध्रुव अपने महल से भगवान की प्रार्थना करने झगलों की तरफ निकल पड़े। उन्हें रास्ते में ऋषि नारद मिले। छोटे से ध्रुव को जंगलों की तरफ जाता देख नारद ने उन्हें रोका। नारद ने उनसे पूछा, तुम जंगलों की तरफ क्यों जा रहे हो? ध्रुव ने उन्हें बताया कि वो भगवान का ध्यान करने जा रहे हैं। ध्रुव की बात सुनकर नारद ने उन्हें समझाकर राजमहल वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव ने उनकी एक न सुनी। ध्रुव के निर्णय के कारण नारद ने ध्रुव को AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने को कहा। इसके बाद ध्रुव जंगल में जाकर इस मंत्र का जाप करने लगे। उधर नारद ने महाराज उत्तानपाद को ध्रुव के बारे में बताया। बेटे के बारे में सुनकर महाराज का मन चिंतित हो गया। वह ध्रुव को वापस लाना चाहते थे, लेकिन नारद ने कहा, ध्रुव प्रार्थना में डूब गया है और अब वह वापस नहीं आएगा। उधर ध्रुव कठोर तपस्या में लगे रहे। कई दिन और महीने गुजर गए, लेकिन ध्रुव प्रार्थना करते रहे। इस बीच ध्रुव की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान हरि ध्रुव के सामने प्रकट हुए। भगवान हरि ने ध्रुव को वरदान देते हुए कहा, तुम्हारी तपस्या से हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हें राज सुख मिलेगा, साथ ही तुम्हारा नाम और तुम्हारी भक्ति हमेशा के लिए जानी जाएगी। यह कहकर भगवान ने ध्रुव को राजमहल की तरफ भेज दिया। भगवान के दर्शन पाकर ध्रुव भी बहुत खुश हुए और उन्हें प्रणाम कर महल की तरफ चले गए।
बेटे को महल वापस आते देख राजा खुश हो गए और उनको अपना पूरा राज्य सौंप दिया। भगवान हरि के वरदान से भक्त ध्रुव का नाम अमर हो गया और आज भी उन्हें आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाले तारे ध्रुव तारे के नाम से याद किया जाता है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर धैर्य और सच्चे मन से कोई प्रार्थना करे तो उसकी इच्छा जरूरी पूरी होती है। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता पुराण में एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनने को मिलती है, राजा परीक्षित की कहानी। परीक्षित के जन्म की कथा महाभारत के युद्ध के समय की है। जब द्रौपदी को इस बात की जानकारी मिली कि अश्वत्थामा ने उसके पांचों बेटों की हत्या कर दी है तो उसने अनशन करने की ठान ली। द्रौपदी ने प्रण लिया कि वह अपना अनशन तभी तोड़ेगी जब तक कि अश्वत्थामा के सिर पर लगी मणि उसे नहीं मिल जाती। जब अर्जुन को इसकी जानकारी मिली तो वे अश्वत्थामा से युद्ध करने निकल गए। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन को मौत के घाट उतारने के लिए अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला। यह देख अर्जुन ने भी अपना बचाव करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तभी वहां नारद और ऋषि व्यास पहुंचे और उन्होंने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने से मना किया। इसके बाद अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस कर लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने ऐसा नहीं किया। दरअसल अश्वत्थामा पांच पांडवों के कुल को नष्ट करना चाहता था, इसीलिए उसने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी जो कि गर्भवती थी उसकी ओर कर दिया। इस पर भगवान कृष्ण ने कहा, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा को परीक्षित नामक बेटे के जन्म का वरदान मिला है, इसलिए वह जरूर जन्म लेगा। अगर वह मरा हुआ भी पैदा हुआ तो मैं खुद उसे जीवन दान दूंगा और वह बड़ा होकर एक महान सम्राट बनेगा, जबकि तुम 3000 वर्ष तक इस पाप को ढोते रहोगे। साथ ही हमेशा तुम्हारे खून से बदबू आते रहेगी और वह ऐसे ही बहता रहेगा। यही नहीं, तुम हर प्रकार के बीमारियों से घिरे रहोगे। इसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को रस्सी में बांधा और द्रौपदी के पास ले आया। अश्वत्थामा की हालत देखकर द्रौपदी को दया आ गई और उसने अर्जुन से उसे छोड़ने की अपील की, मगर भगवान कृष्ण ने ऐसा नहीं होने दिया और उन्होंने अर्जुन को आदेश दिया कि उसके सिर से मणि निकाल ले और द्रौपदी को दे दे। इधर ब्रह्मास्त्र के गर्भ में जाते ही उत्तरा को तेज दर्द होने लगा। यह देख भगवान कृष्ण ने अपना छोटा रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में दाखिल हो गए। कृष्ण का छोटा रूप एक अंगूठे के बराबर ही था। वे शंख, चक्र, गदा और पद्म सब कुछ धारण किए हुए थे। उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र की आग को शांत कर रहे थे। वहीं गर्भ में पल रहा बालक उन्हें देखकर हैरान था कि मेरी मां के गर्भ में यह कौन घुस गया है। कुछ समय बाद उत्तरा ने अपने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। यह देख वह रोने लगी। उसने भगवान कृष्ण से कहा, ये नारायण, आपने तो कहा था कि मेरा बेटे पर ब्रह्मास्त्र का असर नहीं होगा और वह जीवित ही पैदा होगा। वह सालों तक अमर होकर राज करेगा, लेकिन यह तो मरा हुआ है। इसे जीवित करने की कृपा करो प्रभु। उत्तरा की बात सुनकर भगवान कृष्ण तुरंत प्रसूति गृह में प्रवेश किया और कहा, हे पुत्री, तुम दुखी न हो, तुम्हारा बेटा जरूर जीवित होगा। मैंने खुद इसके जीवन की रक्षा की है। इसके बाद कृष्ण भगवान ने मृत बालक पर अमृतमयी नजरें डाली और कहा, अगर मैंने जीवन में कभी झूठ का साथ नहीं दिया है और हमेशा ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन किया है, कभी किसी लड़ाई में अपनी पीठ नहीं दिखाई है, न ही कभी अधर्म का साथ दिया है, को अभी इसी समय अभिमन्यु का यह पुत्र जो मरा हुआ है वह जीवित हो जाए। इतना कहने के बाद कृष्ण ने जब उस मृत बालक पर अपना हाथ डाला तो वह जीवित हो गया और रोने लगा। इसके बाद भगवान कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र को वापस ब्रह्मलोक भेज दिया। यह चमत्कार देख सभी स्त्रियां आश्चर्यचकित हो गईं। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु के पुत्र का नाम परीक्षित रखा। इसके पीछे का कारण था कि वह बालक कुरुकुल के नाश होने पर जन्मा था। वहीं जब युधिष्ठिर वापस आए और उन्हें बालक के जन्म के बारे में पता चला तो वे भी खुशी से झूम उठे। इस खुशी में उन्होंने हाथी, छोड़े, अन्न, गाय आदि दान दिए। इसके बाद उन्होंने ज्योतिष को बुलाया और बच्चे के भविष्य की जानकारी ली। इस पर ज्योतिषी ने कहा, यह बालक प्रभु श्री कृष्ण चंद्र का भक्त कहलाएगा। यह एक धर्मी, यशस्वी, पराक्रमी व दानी होगा। ज्योतिष ने आगे बताया कि जीवन में एक ऋषि का शाप पाकर गंगा के तट पर यह श्री सुखदेव से आत्मज्ञान की प्राप्ति करेगा। ज्योतिष की बात सुनकर युधिष्ठिर खुश हुए और उन्हें दक्षिणा देकर वहां से विदा कर दिया।
अपनी मां के कोख में ही परीक्षित का दर्शन भगवान श्री कृष्ण से हो गया था। पैदा होने के बाद वह जिस किसी से भी मिलते वह उनमें श्री कृष्ण की छवि ढूंढने की कोशिश करते। ये उनके लिए एक परीक्षा जैसे हो गया था, इसी से उनका नाम परीक्षित पड़ा। परीक्षित का विवाह उत्तर के राजकुमार की बेटी इरावती से हुआ। इरावती और परीक्षित के चार बेटे हुए, जिनमें एक जनमेजय था। परीक्षित ने गंगा नदी के किनारे चार अश्वमेध यज्ञ किया था। उनके गुरु कृपाचार्य थे। जब पांडव महाभारत के बाद स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए तब परीक्षित ने उनका कार्यभार और शासन संभाल लिया। एक दिन वह जंगल में सैर करने को गए थे, तभी वे थक हार कर एक ऋषि समिका के आश्रम में चले गए। वे बहुत प्यासे भी थे। उन्होंने देखा ऋषि घोर तपस्या में लीन थे। उन्होंने उनके सामने कई बार प्रणाम किया लेकिन ऋषि पर उनका कोई असर नहीं हुआ। इस पर नाराज होकर परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप लाकर ऋषि के गले के चारों तरफ डाल दिया। इसके बाद जब ऋषि की तपस्या भंग हुई तो उन्होंने क्रोध में आकर परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज से सातवें दिन तुम्हारी सांप के काटने से मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप के मिलने के बाद परीक्षित ने राजकाज त्याग कर बेटे जनमेजय को सौंप दिया और अगले सात दिन के लिए वेद व्यास के बेटे सुखदेव के शरण में चले गए, जहां उनसे उन्होंने प्रवचन वाणी सुनी। इसी को बाद में तैयार करके भगवत पुराण बनाया गया। शिक्षा ग्रहण करने के बाद परीक्षित ने सुखदेव से कहा कि अब उन्हें सांपों के काटने का कोई डर नहीं है। उन्होंने आत्मा और ब्रह्मा की प्रकृति को जान लिया है। जब सुखदेव चले गए तो परीक्षित ने बैठकर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। इसी दौरान उस काल के प्रचलित नागवंश तक्षक का एक नाग ब्राह्मण की वेशभूषा में उनके नजदीक आया। उन्होंने परीक्षित को काट खाया और इससे परीक्षित की मौत हो गई। इससे क्रोधित होकर उसके बेटे जनमेजय ने एक यज्ञ का आयोजन करने की ठान ली, जिसमें वह सारे सर्पों को मार देना चाहता था। इन सभी सांपों को यज्ञ की अग्नि में झोंक देने की योजना बनाई। इसके बाद तक्षक नाग अपनी सुरक्षा के लिए इंद्र के पास गए। इधर जनमेजय ने सर्पों को यज्ञ में बुलाने के लिए शक्तिशाली मंत्र जाप करने शुरू कर दिए। अंत में सर्पों की तरफ बृहस्पति भगवान को नीचे जनमेजय के पास आना पड़ा और इस यज्ञ को रोकना पड़ा। आपको बता दें कि जनमेजय को कलयुग का पहला राजा माना जाता है। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि वेद व्यास के शिष्य वैशंपायना के द्वारा जनमेजय को सबसे पहले महाभारत की कथा सुनाई गई थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी कार्य को छल कपट के साथ नहीं करना चाहिए, इससे हमारा बुरा ही होता है। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है, उशीनगर नाम के एक राज्य में एक राजा राज किया करता था। उस राजा का नाम था शिवी। वह एक चक्रवर्ती सम्राट था और अपनी महानता और दयालुता के कारण प्रसिद्ध था। उसकी दया के बारे में ऐसा कहा जाता था कि उसके दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता, भले ही उसके लिए किसी भी तरह का बलिदान क्यों ना देना पड़े। यही कारण था कि उसकी दयालुता के चर्चे पृथ्वी लोक से आगे बढ़कर स्वर्ग तक भी पहुंच गए। जब इस बात का पता देवों के राजा इंद्र को चला तो उन्होंने मन बनाया कि वह राजा शिवी की परीक्षा स्वयं लेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि क्या वाकई में राजा शिवी इतने ही दयालु हैं या यह उनका महज एक ढोंग है। यह तय करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई और अग्निदेव को भी अपने साथ योजना में शामिल होने का निवेदन किया। राजा इंद्र की बात पर अग्निदेव भी राजा शिवी की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। फिर क्या था, राजा इंद्र ने एक बाज का रूप धारण किया और अग्निदेव ने एक कबूतर का। दोनों राजा शिवी के दरबार की ओर चल दिए। अग्निदेव कबूतर के रूप में आगे गए और इंद्र बाज के रूप में इस प्रकार उनके पीछे चले कि मानो एक बाज कबूतर का शिकार करने के लिए उसके पीछे उड़ रहा हो। थोड़ी ही देर में अग्निदेव कबूतर के रूप में राजा शिवी के दरबार में पहुंचे और राजा शिवी की जांघ पर बैठ गए। उन्होंने राजा से कहा कि एक बाज उसका शिकार करने के लिए पीछे आ रहा है, वह उसकी जान बचा लें। कबूतर की यह बात सुनकर राजा ने कहा, बिल्कुल भी चिंता न करो, मेरे होते हुए वह बाज तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, मैं तुम्हारी रक्षा करने का वचन देता हूं। राजा के वचन देते ही बाज के रूप में इंद्रदेव भी शिवी के दरबार में पहुंच गए। उन्होंने राजा शिवी से कहा कि वह कबूतर मेरा शिकार है, उसे मारकर वह अपनी और अपने बच्चों की भूख मिटाएगा। बाज की बात पर राजा ने कहा, मैंने इस कबूतर को वचन दिया है कि मैं इसके प्राणों की रक्षा करूंगा, इसीलिए मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। राजा की यह बात सुनकर बाज बोला,
अगर आप इसे मुझे नहीं देंगे तो मैं और मेरे बच्चे भोजन के अभाव में भूखे रह जाएंगे, इसलिए इसे तो आपको देना ही होगा। बाज की यह बात सुन राजा शिवी थोड़ी देर सोच में पड़ गए और कुछ विचार करने लगे। कुछ देर विचार करने के बाद राजा शिवी ने बाज से कहा, अगर मैं तुम्हें इस कबूतर के वजन के बराबर मांस दे दूं तो तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की भूख मिट जाएगी। ऐसे में इस कबूतर के प्राण भी बच जाएंगे और मेरा वचन भी बना रहेगा। राजा की इस बात पर बाज के रूप में आए इंद्रदेव राजी हो गए, लेकिन उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रख दी। बाज ने कहा, महाराज मैं तैयार हूं, लेकिन आपको कबूतर के वजन का मांस अपने शरीर से देना होगा। बाज की यह बात सुनकर राजा ने सोचा कि कबूतर का वजन कितना होगा। अगर मैं अपने शरीर से ही इसके वजन के बराबर मांस दे देता हूं तो इस कबूतर की जान बच जाएगी। यह सोचकर राजा ने अपने एक दरबारी को एक तराजू लाने का आदेश दिया। दरबार में तराजू लाया गया। राजा ने तराजू के एक पल्लढ़े पर कबूतर को रखा और एक चाकू से अपनी जांघ से एक टुकड़ा काटकर तराजू के दूसरे पल्ले पर रख दिया, लेकिन तराजू तनिक भी नहीं हिला। यह देखकर राजा ने एक और टुकड़ा काटकर तराजू पर रखा। उसके बाद भी मांस का टुकड़ा कबूतर के वजन से काफी कम था। उन्होंने धीरे धीरे कर अपने आधे शरीर के मांस को निकालकर तराजू पर रख दिया। उसके बाद भी मांस का वजन कबूतर के वजन से कम ही रहा। यह देखकर राजा शिवी बहुत निराश हुए। उन्होंने निश्चय किया कि अब कुछ भी हो जाए, वह अपने वचन का मान रखते हुए कबूतर को बचाएंगे। यह सोचकर वह खुद ही तराजू के पलड़े पर बैठ गए और तराजू पर कबूतर का पलड़ा ऊपर आ गया। राजा ने बाज से कहा, तुम मेरे पूरे शरीर का मांस ले लो और कबूतर को छोड़ दो। यह सुनकर इंद्रदेव को राजा पर दया आ गई। इंद्र और अग्निदेव अपने असली रूप में आए और कहा, राजा शिवी हम आपकी परीक्षा लेने आए थे और आप इस परीक्षा में सफल रहे। आप वाकई में बहुत ही दयालु और परोपकारी हैं। इस पृथ्वी पर आपकी बराबरी दूसरा और कोई नहीं कर सकता। इतना कहते हुए दोनों देव वहां से गायब हो गए। शिवी चक्रवर्ती की कहानी से सीख मिलती है कि इंसान को किसी भी हाल में दया और परोपकार का साथ नहीं छोड़ डाहना चाहिए, क्योंकि जिसमें दया और परोपकार वास करता है भगवान भी सदैव उसकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत का एक ऐसा योद्धा था जिसे समझना बेहद मुश्किल है। जहां एक ओर कर्ण महादानी था, वहीं दूसरी ओर कर्ण ने महाभारत के युद्ध में न सिर्फ बुराई का साथ दिया बल्कि द्रौपदी को नगरवधु कहा, और जितना दुर्योधन महाभारत का युद्ध चाहता था उससे कई ज्यादा कर्ण यह युद्ध करना चाहता था। लेकिन देवपुत्र होने के बावजूद कर्ण में इतनी बुराई कैसे थी, और महान दानी होने के बावजूद उसकी इतनी दर्दनाक मृत्यु कैसे हुई? दर्शकों, इसके भी राज जुड़े हैं कर्ण के पिछले जन्म से। यह बात है त्रेतायुग की, जब कर्ण एक राक्षस था जिसका नाम दंभोद्भव था। दंभोद्भव ने सूर्यदेव की घोर तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने दंभोद्भव से वरदान मांगने को कहा। तब दंभोद्भव ने सूर्यपुत्र से अमृता का वरदान मांगा, लेकिन इस धरती पर कोई भी अमर नहीं रह सकता, इसलिए सूर्यदेव ने दंभोद्भव को यह वरदान देने से साफ मना कर दिया। तब दंभोद्भव ने सूर्यदेव से वरदान में 1000 दिव्य कवच और कुंडल मांगे, जिन्हें केवल वो ही तोड़ सकता है जिसने 1000 साल तपस्या की हो, और कवच तोड़ते ही वह व्यक्ति भी मर जाए, इसलिए उस कवच का नाम सहस्त्र कवच पड़ गया। सूर्यदेव ने दंभोद्भव को यह वरदान दे दिया, जिसके बाद दंभोद्भव का सारा डर खत्म हो गया और उसने देवी देवताओं और धरती पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने बिना रुके पूरी धरती पर आतंक मचाना शुरू कर दिया, जिससे बाद उसके पापों का घड़ा बहुत जल्दी भरने लगा। परेशान होकर सभी देवी देवताओं ने विष्णु जी से प्रार्थना की कि वह धरती और ब्रह्मांड को इस राक्षस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाए। तब जाकर भगवान विष्णु ने 2 ऋषियों के रूप में नर और नारायण का अवतार लिया। भगवान विष्णु का यह अवतार 2 जुड़वा भाइयों के रूप में अवतार था, जिसमें दोनों के शरीर अलग अलग थे लेकिन उनमें आत्मा एक ही थी। नर नारायण दोनों ही ऋषि थे। दंभोद्भव राक्षस को मारने के लिए दोनों ने घोर तपस्या की, और फिर नर ने जाकर दंभोद्भव राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा। जब दंभोद्भव और नर का युद्ध हो रहा था, तब जैसे ही नर ने दंभोद्भव का सहस्र कवच तोड़, तब वरदान अनुसार नर की मृत्यु हो गई। लेकिन नारायण ऋषि, जो नर का ही हिस्सा थे, उन्होंने तपस्या करके नर को जीवित कर दिया और खुद इस राक्षस से युद्ध करने लगते। फिर जब वह भी एक कवच तोड़ देते
और उनकी भी मृत्यु हो जाती, तब तक नर उन्हें तपस्या करके वापस जीवित कर देते और फिर दंभोद्भव राक्षस से युद्ध करके उनका कवच तोड़ देते। ऐसे ही दंभोद्भव और नर नारायण के बीच ये युद्ध सालों तक चलता रहा और आखिर में नर नारायण ने दंभोद्भव 999 कवच तोड़ दिए। अब केवल एक कवच बचा रह गया था। तब घबराकर दंभोद्भव राक्षस ने सूर्यदेव से आश्रय मांगता है। सूर्यदेव के अनुरोध पर नर नारायण उसे छोड़ देते हैं। फिर द्वापर युग में जब कुंती भगवान सूर्य का आह्वान करती है, तब भगवान सूर्य इस आखिरी सहस्र कवच को ही उन्हें पुत्र रूप में देते हैं। इसीलिए इस जन्म में दंभोद्भव राक्षस यानी कि कर्ण उस एक बचे कवच कुंडल के साथ जन्म लेता है। लेकिन आज अपने पिछले जन्म में राक्षस रूप में कर्ण ने जितने भी बुरे कर्म किए थे, उनका पहल कर्ण को अपने इस जन्म में भोगना पड़ा। पिछले जन्म के अपने दुष्कर्म की वजह से और बुरी परवर्ती की वजह से कर्ण की दुर्योधन जैसे दुष्ट इंसान से दोस्ती हुई। भले ही कर्ण भी पांडवों का ही भाई था, उसके बावजूद उसने हमेशा अधर्म का साथ दिया। तभी चाहे कुछ भी हो जाए, पर बुरे कर्मों का फल आपको भुगतना ही पड़ता है, फिर उससे बचने के लिए भले ही आप कितने भी जन्म ले लो। इसलिए दंभोद्भव राक्षस के कर्मों का पूरा फल देने के लिए नारायण ऋषि ने द्वापर युग में कृष्ण के रूप में अवतार लिया और नर ऋषि ने अर्जुन के रूप में अवतार लिया। और द्वापर युग में अपने अवतार लेने के पीछे जो उनकी योजना थी, उसे पूरा करने के साथ ही कर्ण का यह आखिरी कवच और जीवन भी खत्म कर दिया। महाभारत में भी इसलिए कर्ण भले ही एक पल के लिए सभी पांडवों से युद्ध ना करता, लेकिन वह अर्जुन से युद्ध करके उसे मृत्यु के घाट उतार देना चाहता था। कर्ण को अपने पिछले जन्म की वजह से ही अर्जुन से बैर था। आखिर में कर्ण जीवन के कष्टों को भोगकर मुक्त हुआ और अंत में वापस सूर्यलोक में प्रवेश कर गया। दोस्तों, कर्ण की जीवन की यह गाथा सुनकर हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर आप बुरे कर्म करते हो, कितने भी पाप करते हो, आपको उनका फल एक ना एक दिन तो जरूर भोगना पड़ता है। आप अपने कर्मों के फल से कहीं भागकर नहीं जा सकते। अगर आप अच्छे हो और अच्छे कर्म करते हो, तब भले ही आपको उसका फल लेट मिले, पर मिलता जरूर है। वही अगर आप बुरे कर्म करोगे, तब भी आपको कभी ना कभी उसका फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हमें हमेशा धर्म की राह पर चलना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। कर्ण की वास्तविक मां कुंती थी और कर्ण और उनके 6 भाइयों के धर्म पिता महाराज पांडु थे। कर्ण के वास्तविक पिता भगवान सूर्य थे। कर्ण का जन्म पांडु और कुंती के विवाह के पहले हुआ था। कर्ण दुर्योधन का सबसे अच्छा मित्र था और महाभारत के युद्ध में वह अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ा। कवच कुंडल जो कर्ण को जन्म के साथ ही अभेद्य रूप में प्राप्त हुए, कोई भी बाण और हथियार उसे भेद नहीं सकता था। कवच कुंडल जिसके कारण कर्ण से अर्जुन की सुरक्षा के लिए इंद्र से लेकर कृष्ण तक चिंतित थे, क्योंकि यह कर्ण की त्वचा से अभिन्न रूप में जुड़ा हुआ था और कोई धातु मानव की त्वचा से अभिन्न रूप में चिपकाई नहीं जा सकती। महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण के रथ का पहिया जमीन में ढंस गया। तभी अर्जुन ने अपना दिव्यास्त्र निकाला और कर्ण पर वार कर दिया। जैसा साधु ने श्राप दिया था, उसी तरह कर्ण की मृत्यु हो गई। कर्ण की 2 पत्नियां थीं, दोनों ही बहुत सुंदर थीं। अंग देश के राजा कर्ण की पहली पत्नी का नाम वृषाली था। वृषाली से उसको वृषसेन, सुषेण, वृषकेत नामक 3 पुत्र मिले। यह तो सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धा कोई थे, तो वह कर्ण और अश्वत्थामा थे। लेकिन कवच और कुंडल उतर जाने के बाद भी कर्ण इतने शक्तिशाली थे कि वे अर्जुन के रथ को एक ही बाण में हवा में उड़ा देते। कर्ण पूर्व जन्म में एक राक्षस था जिसे सूर्य की कृपा प्राप्त थी। कर्ण का जन्म होना और जीवन भर यातनाएं भोगना भी उसके पूर्व जन्म का फल था। दोस्तों, जो भी हमें कष्ट मिल रहे हैं, वह हमारे कर्मों के कारण ही मिल रहे हैं, और जो भी हमें सुख और खुशियां मिल रही है, वह भी हमारे कर्मों के कारण ही मिल रही है। द्रौपदी 5 पांडवों की रानी थी। वह खूबसूरत और उदार थी, लेकिन द्रौपदी की पहचान एक साहसी स्त्री के तौर पर ज्यादा की जाती है। द्रौपदी को ही महाभारत युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। वह एक ऐसी महिला थी जो अन्याय और अत्याचार सहकर चुप नहीं रह सकती थी। द्रौपदी का कभी बचपन नहीं था। द्रौपदी के पिता तथा पांचाल के राजा द्रुपद ने द्रौपदी का निर्माण केवल एक ही उद्देश्य से किया था, कुरु राजवंश को नष्ट करने के उद्देश्य से। ऐसा इसलिए क्योंकि कुरु राजवंश ने द्रोण को संरक्षण दिया था,
जिन्होंने अपने शिष्यों पांडवों और कौरवों की सहायता से पांचाल पर विजय प्राप्त की थी तथा पांचाल का विभाजन किया था। अत द्रौपदी एक वयस्क के रूप में ही उत्पन्न हुई, जिसे न तो बचपन मिला न पालन पोषण। द्रौपदी के स्वयंवर में दुर्योधन ने भाग नहीं लिया था, द्रौपदी के स्वयंवर में दुर्योधन ने हिस्सा ही नहीं लिया था। इसके पीछे वजह यह थी कि दुर्योधन कलिंग की राजकुमारी भानुमती से विवाह कर चुका था। उसने राजकुमारी से वादा किया था कि वह दूसरा विवाह नहीं करेगा। दुर्योधन ने अपना वादा निभाया भी था। वेद व्यास ने द्रौपदी को उनके बचपन में ही यह बता दिया था कि उनके पांच पति होंगे। द्रौपदी ने वेद व्यास की बात को यह कहकर नकार दिया था कि उनके समाज में जिस स्त्री के एक से अधिक पति होते हैं उसे समाज निकृष्ट समझता है और उनके पिता कभी ऐसा नहीं होने देंगे। द्रौपदी का स्वयंवर होते हुए भी असल मायनों में स्वयंवर नहीं था। द्रौपदी के पिता ने यह शर्त रख दी थी कि जो राजकुमार मछली की आंख पर निशाना लगा पाएगा वही राजकुमारी का वरण कर सकेगा। ऐसे में द्रौपदी का वर किस्मत को चुनना था। द्रौपदी का अर्जुन के साथ विवाह तो हो गया, लेकिन उनकी किस्मत में अभी कुछ और ही संयोग लिखा था। अर्जुन जब द्रौपदी को विवाह कर घर लेकर गए तो अपनी मां से कहा कि देखो मां, मैं क्या लाया हुआ। कुंती ने बिना देखे ही अर्जुन को लाई हुई वस्तु को पांचों भाइयों में बांटने के लिए कह दिया। बाद में जब उन्हें एहसास हुआ कि अर्जुन कोई वस्तु नहीं बल्कि द्रौपदी को ब्याह करके लाए हैं तो उन्हें अपनी भूल का अंदाजा हुआ, लेकिन अब मां के वचन को निभाने के लिए द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी बन गई। पुराणों के अनुसार पांच पतियों के बावजूद भी द्रौपदी का कौमार्य आजीवन बना रहा, क्योंकि उन्हें महर्षि वेदव्यास का आशीर्वाद मिला हुआ था। महर्षि वेदव्यास ने ही द्रौपदी का विवाह कराया था। उन्होंने द्रौपदी को वरदान दिया कि जब वह एक भाई से दूसरे भाई के पास जाएगी तो उसका कौमार्य फिर से वापस आ जाएगा। द्रौपदी हर साल दूसरे पति के पास चली जाती थी। इस दौरान किसी दूसरे भाई को द्रौपदी को देखना तक मना था। हर पति के पास जाने से पहले द्रौपदी अग्नि से होकर गुजरती थी, जिससे उनका कौमार्य वापस आ जाता था। द्रौपदी ने पांचों पांडवों की पत्नी बनने से पहले एक शर्त रखी थी। द्रौपदी की शर्त थी कि वह किसी और स्त्री के साथ अपनी गृहस्थी कभी साझा नहीं करेंगी। उस समय बहुविवाह प्रथा के बावजूद पांडव इंद्रप्रस्थ में दूसरी पत्नियां नहीं ला सकते थे। हालांकि अर्जुन बाद में द्रौपदी की सहमति से अपनी दूसरी पत्नी सुभद्रा को लाए थे। श्रीकृष्ण की सलाह से द्रौपदी ने सुभद्रा को अपने घर में जगह दे दी थी। द्रौपदी पांच पांडवों की पत्नी थी, लेकिन वह अपने पांचों पतियों को एक समान प्यार नहीं करती थी। वह सबसे ज्यादा अर्जुन से प्रेम करती थी, लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन द्रौपदी को वह प्यार नहीं दे पाए, क्योंकि वह कृष्ण की बहन सुभद्रा से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। सभी पांडवों ने द्रौपदी के अलावा भी शादी रचाई, लेकिन द्रौपदी की शर्त के मुताबिक इंद्रप्रस्थ नहीं लाए। द्रौपदी जब किसी एक पांडव के साथ होती थी तो अन्य पांडव यात्रा कर अपनी दूसरी पत्नियों के पास चले जाते थे। द्रौपदी का जब भरी सभा में चीरहरण कर अपमान किया जा रहा था तो उन्हें अपने पतियों पर बहुत भरोसा नहीं था, फिर भी उन्होंने मदद की गुहार लगाई। द्रौपदी के अपने पांचों पतियों पर भरोसा न करने के पीछे ठोस वजह थी। द्रौपदी का जब जयद्रथ ने अपमान किया था तब भी पांडवों ने जयद्रथ से अन्याय का बदला नहीं लिया। निर्वासन के आखिरी वर्ष में द्रौपदी का अपमान करने वाले किच्छुक को भी पांडवों ने नहीं मारा, क्योंकि उन्हें अपना भेद खुल जाने का डर था। अब मित्रों, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर द्रौपदी के किस पाप के कारण उसका भरी सभा में चीरहरण हुआ। तो आइए जानते हैं कि द्रौपदी ने कौन सा पाप किया था जिसके कारण अनेक योद्धाओं से खचाखच भरे हुए हस्तिनापुर के सभा भवन में उसके वस्त्र उतारकर उसे नग्न करने का प्रयत्न किया गया। जब धर्मराज युधिष्ठिर कौरवों से जुआ में अपना सब कुछ हार गए और द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर हार गए, तब दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को द्रौपदी को बीच सभा भवन में लाकर उसके वस्त्र उतारने का आदेश दिया। दुशासन जब पांचाली का चीर खींचने लगा तो उसने सभा भवन में उपस्थित सभी लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने द्रौपदी की कोई मदद नहीं की। अंत में द्रौपदी ने अपने आप को असहाय जानकर उसने भगवान श्रीकृष्ण को याद किया और उनसे अपनी लाज बचाने की प्रार्थना की और उनसे पूछा कि हे भक्त वत्सल, आप तो कहते हो कि मानव को अपने पाप और पुण्य कर्मों का ही फल उसका मान और अपमान कराता है, तो हे करुणानिधान, मैंने कौन सा ऐसा पाप कर्म किया है
जिसके कारण आज अनेक महारथियों से भरी राज्यसभा में सबके सामने मेरा चीरहरण हो रहा है। तब भगवान ने द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म का स्मरण कराया। कथा के अनुसार अपने पूर्व जन्म में द्रौपदी एक राजकुमारी थी। एक दिन जब द्रौपदी अपनी सखियों के संग गंगा स्नान के लिए जा रही थी तो उसने देखा कि गंगा में एक संत स्नान कर रहे थे और उनके अंग वस्त्र गंगा के किनारे रखे हुए थे। यह देखकर द्रौपदी को शरारत करने का विचार उसके मन में आया और उसने अपनी सखियों के साथ मिलकर उस संत के अंग वस्त्र एक स्थान पर छिपा दिए और चुपचाप किसी दूसरे घाट पर स्नान करने के लिए चली गई। स्नान करने के पश्चात अपनी सखियों के साथ हंसते हुए और आमोद प्रमोद करते हुए द्रौपदी अपने महल को चली गई। इधर जब संत गंगा स्नान करने के उपरांत जल से बाहर आए तो अपने वस्त्र गंगा तट पर ना पाकर परेशान हो गए और इधर उधर खोजने लगे। बहुत खोजबीन के पश्चात संत को अपने अंगवस्त्र एक जगह छिपे हुए मिल गए। तब उस संत ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि आज जिसने भी मेरे साथ ऐसा घृणित परिहास किया है और मेरे वस्त्र हरण किए हैं, एक दिन उसे भी अपने वस्त्र हरण होने पर समाज के सामने लज्जित होना पड़ेगा। इसी श्राप के कारण द्रौपदी को यह अपमान झेलना पड़ा। परंतु भगवान श्री कृष्ण की भक्त होने के कारण भगवान ने उसकी पुकार सुनी और उसके चीर को बढ़ाकर उसके सम्मान की रक्षा की। दो दोस्तों, कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। महाभारत के इस युद्ध में पांडव जीत गए थे, लेकिन युद्ध के बाद उनकी दुनिया बदल चुकी थी। धर्मराज युधिष्ठिर और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन सहित कई योद्धाओं ने इस युद्ध में छल कपट का सहारा लिया। महाभारत के युद्ध के बाद सभी मृत परिजनों और रिश्तेदारों का तर्पण करने के बाद पांडव एक महीने तक गंगा तट पर रहे। धर्मराज युधिष्ठिर को देखने और उन्हें सांत्वना देने के लिए कई महान ऋषि और संत के आने जाने का क्रम लगा हुआ था। इसी बीच नारद ऋषि भी युधिष्ठिर के पास गए और युधिष्ठिर की मनस्थिति के बारे में पूछा। नारद ने युधिष्ठिर से प्रश्न करते हुए कहा कि हे युधिष्ठिर, अपनी भुजाओं के बल और भगवान कृष्ण की कृपा से आपने इस युद्ध में विजय प्राप्त कर ली, क्या पापी दुर्योधन को परास्त करने के बाद तुम प्रसन्न नहीं हो? मुझे आशा है कि शोक और विलाप आपको नहीं सता रहे हैं। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि वास्तव में मैंने कृष्ण की कृपा, ब्राह्मणों के आशीर्वाद और भीम और अर्जुन की शक्ति के आधार पर इस युद्ध को जीत लिया है। फिर भी एक गहरा दुख है जो आज भी मेरे दिल में बैठा है। मुझे लगता है कि मेरे अपने लोभ के कारण ही इतना बड़ी संख्या में स्वजनों का वध हुआ है। पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु पर द्रौपदी का विलाप देख मैं जीत को हार मानता हूं। युधिष्ठिर ने कहा, इन सभी योद्धाओं के वध के बाद मुझे पता चला कि कर्ण मेरा भाई था। उनका जन्म सूर्यदेव और मेरी मां कुंती के मिलन से हुआ था। उन्हें सारी दुनिया राधा का पुत्र मानती थी, लेकिन वास्तव में वह मेरी मां के सबसे बड़े पुत्र थे। मैंने अनजाने में उन्हें मार दिया। ये बात मुझे अंदर से खाए जा रही है। न तो अर्जुन और ना ही भीम, ना ही दोनों छोटे भाई जानते थे कि कर्ण हमारे सबसे बड़ा भाई है। हालांकि कर्ण जानते थे कि हम उनके छोटे भाई हैं। उन्हें इस बात की जानकारी भगवान कृष्ण और मेरी मां ने दी थी। दुर्योधन के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों के कारण वह हमारे पक्ष में नहीं आ सके। हालांकि उन्होंने हमारी जान नहीं लेने के लिए वचन दिया था। अगर मेरे पास अर्जुन और कर्ण दोनों होते तो मैं दुनिया को जीत सकता था। ये कहते हुए युधिष्ठिर भावुक हो गए और उनके आंसू बहने लगे। तभी उनकी मां कुंती आगे आई और अपने पुत्र से बोली, युधिष्ठिर, इस तरह से शोक मत करो। मैंने पहले कर्ण को आपके साथ उसके रिश्ते के बारे में बताने की कोशिश की थी। सूर्यदेव ने भी उससे बात की। हालांकि अपनी घनिष्ठ मित्रता के कारण कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। मां कुंती की सांत्वना की बातें सुनी तो युधिष्ठिर अपने क्रोध और शोक को शांत नहीं कर सके। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी मां कुंती से कहा कि आपने इतनी बड़ी बात छिपाकर हमें अपने ज्येष्ठ भ्राता का हत्यारा बना दिया। युधिष्ठिर ने क्रोध में आकर अपनी मां कुंती के साथ समस्त नारी जाति को श्राप देते हुए कहा, मैं आज समस्त नारी जाति को श्राप देता हूं कि वे अब चाहकर भी कोई बात अपने हृदय में छिपाकर नहीं रख पाएंगी। महाभारत में उल्लेख किया गया है कि भीष्म पितामह ने अपनी सौतली माता को वचन दिया था कि वह आजीवन अविवाहित रहेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। अपने इस वचन का पालन भीष्म पितामह ने तमाम उम्र किया, लेकिन पूर्व जन्म में भीष्म पितामह विवाहित थे और अपनी पत्नी के कहने पर एक ऐसा पाप कर बैठे जिसका दंड उन्हें अगले जन्म में भीष्म बनकर भुगतना पड़ा।
कथा है कि भीष्म पितामह का जन्म एक शाप के कारण हुआ था जो उनको अपने पूर्व जन्म में मिला था। अपने पूर्व जन्म में भीष्म एक वसु थे जिनका नाम द्यौ था। इसी जन्म में पत्नी की एक जिद मानने के कारण उन्हें शाप, भयानक शाप मिला था जिसका अंत महाभारत के युद्ध में हुआ था। इनकी सुंदर पत्नी ने एक बार महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में नंदिनी गाय को देख लिया। इसके बाद से वह उस गाय को पाने के लिए मचल गई और अपने पति द्यौ से अनुरोध किया कि नंदिनी गाय किसी तरह उनके लिए ला दें। द्यौ ने पत्नी की बात रखने के लिए अपने भाइयों के साथ गाय को चुरा लिया। वशिष्ठ मुनि ने जब देखा कि नंदिनी आश्रम में नहीं है तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से सारी बातें जान ली। क्रोधित होकर मुनि ने वसुओं को शाप दिया कि तुम सभी का स्वर्ग से पतन होगा और पृथ्वी पर जन्म लेकर अपने अपराध की सजा भुगतनी पड़ेगी। शाप से घबराए वसुओं ने जब मुनि से क्षमा मांगी तो द्यौ के अलावा सभी को क्षमा कर दिया। इससे भीष्म को लंबे समय तक पृथ्वी पर रहना पड़ा, जबकि उनके अन्य भाइयों ने देवी गंगा के गर्भ से जन्म लेकर तुरंत मुक्ति पा लिया। महाभारत के आदि पर्व में इस कथा का उल्लेख मिलता है। व्यक्ति को एक जैसे धन, साधन, सामर्थ्य, सुविधाएं मिलने पर भी उनका समान व्यक्तित्व नहीं बन पाता। एक जैसे मकान में रहकर भी सभी एक जैसा सुख नहीं भोग पाते। एक ही पद पर बैठा आदमी तो इज्जत प्राप्त कर लेता है, परंतु दूसरा नहीं, क्योंकि बाहर से आप कुछ भी ठीक कर लेना, जो व्यवस्था प्रभु की है, जो उसका कर्म सिद्धांत है, वह अपना कार्य अवश्य करेगा। माता पिता बच्चों की उन्नति के लिए प्रयास करते हुए सोचते हैं कि हमने इनकी किस्मत बना दी, परंतु किस्मत लिखने वाला तो आदमी नहीं विधाता है, जो वह लिखता है वह जरूर सामने आता है। मनुष्य किसी के भाग्य का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हमेशा दूसरों को दोष देता है, परंतु वह जो भी दुख भोग रहा है वह कर्मों का फल है। आपके कर्मों के अनुसार आपको सुख भी मिलेगा और दुख भी। कोई भी कर्म बिना फल दिए समाप्त नहीं होता। कोई भी कर्मों का फल प्राप्त किए बिना मुक्त नहीं हो सकता। कर्म के आगे किसी का जोर तथा रिश्वत भी नहीं चलती। कर्म एक स्वतंत्र सत्ता है और जीव को प्राणियों को कर्म करने का स्वतंत्र हक है, और कर्म फल भी कर्म स्वभाव से ही प्राप्त होता है। कर्म का फल कोई परमात्मा नहीं देता, व्यक्ति जो करता है वही उसे मिलता है। अच्छे कर्म करता है तो अच्छा फल मिल जाता है, बुरे कर्म करता है तो बुरा फल मिल जाता है। पक्का हुआ आम कभी कड़वा नहीं हो सकता, वो सदैव मीठा ही रहता है। इसी प्रकार से अच्छे कर्म का फल हमेशा सुखदायी होता है। इसलिए हमें सर्वदा अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म, उत्तम कर्म, जिसमें आत्मा को सुख हो, आत्मा की मुक्ति हो और सर्वजन के लिए हितकारी हो, ऐसा श्रेष्ठ कर्म सदैव करना चाहिए। प्रभु महावीर इस संदर्भ में कहते हैं कि आत्मा स्वयं करता है, स्वयं भोगता है। आत्मा स्वयं मित्र और स्वयं शत्रु है। इसी बात को कर्म योगी श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, अच्छे बुरे कर्मों का फल तुम्हें स्वयं ही मिलेगा। इसी बात को भगवान बुद्ध कहते हैं कि अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है। संत ने कहा कि व्यवहारिक दृष्टि से भी कोई मनुष्य मदिरा पीने का कर्म करता है तो मदिरा पीने का परिणाम उस मनुष्य को मिलता है। इसके विपरीत कोई व्यक्ति शहद पीने का कर्म करता है तो उसकी जिह्वा मीठी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से सब कर्मों का अपना स्वभाव है। वह अपने कार्य अनुसार, कर्मानुसार अपना स्वभाव छोड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि बुरे कर्मों का त्याग करना चाहिए तथा अच्छे कर्म सदैव करने चाहिए। अच्छे कर्म करने पर भी अभिमान नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि निरपेक्ष भाव से अच्छे श्रेष्ठ कर्म सदैव करने पर परमात्मा की प्राप्ति होती है। संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इससे मुक्ति कभी नहीं मिलती है। यह बात और है कि किस कर्म का फल कब मिलता है। जो कर्म ज्यादा होते हैं उसे बाद में तथा जो कम होते हैं उसे पहले भोगने को मिलता है। वैसे इसका कोई एक ही पैमाना ना होकर परिस्थिति तथा दैवी कृपा से निर्धारण होते देखा या सुना गया है। यदि अच्छे कर्म ज्यादा हैं तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में तथा अच्छे का फल अगले जन्म में या इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगने को मिलता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का आपको यह वीडियो? दोस्तों, उम्मीद है कि आज के बाद आप भी अच्छे ही कर्म करोगे और बुरे कर्मों से मुक्ति पाओगे। साथ ही ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। आपका कल्याण हो, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।